सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है JSSC झारखंड। उसको सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, से जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उसी को आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही देखिए JSSC का जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो होम पेज आ जाएगा, यहीं पर थोड़ा सा नीचे आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक जो दिया हुआ है, देखिए अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही देखिए जितना भी JSSC के तरफ से अप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई करने का ऑनलाइन, उसका सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा नीचे एक आएंगे, देखिए अप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लीकेशन PGTTCE 2022, और राइट साइड में अप्लाई नाउ लिखा है, उसको आपको क्लिक करना है। फिर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट है, कब से देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि प्रारंभ हुई है 8/9/2022 से, और उसका समाप्ति की तिथि है मध्यरात्रि के 7/10/2022 तक। इसी में देखिए लेफ्ट साइड में जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलकर आपके सामने आएगा, और यही आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का अप्लाई का फॉर्म है। ये देखिए आपको पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी में आपको बारी बारी के से भरते हुए नीचे की ओर आना है। आज मैं संपूर्ण फॉर्म का चर्चा नहीं करूँगा, अगर आने वाले दिन में इस फॉर्म की कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में आएगी तो मैं उन पर फिर डिटेल बात करूँगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ RU अंडर रेगुलेशन 2007/2014, यहीं पर भारी कन्फ्यूजन कैंडिडेट के अंतर्गत आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि हम क्या सिलेक्शन करें और क्या ना करें, इसी पे हम डिटेल से आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन दो ठो आ रहा है, एक यस या नो। नो वैसे कैंडिडेट करेंगे जो मेरे हिसाब से जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो नो करेंगे, क्योंकि ना ही वो 2014 में आएंगे ना ही 2007 में आएंगे, इसलिए वो सीधा सीधी नो कर सकते हैं। अब रही बात यस कौन करेंगे, यस जैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा, देखिए आपके सामने एक नया सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट द ईयर ऑफ रेगुलेशन। उसके बाद आपको जैसे ही सिलेक्शन कीजिएगा, यहाँ पर 2007 और 2014 आ रहा है। आप 2007 कौन करेंगे, 2014 कौन करेंगे, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड लिखा हुआ है एज पर द ब्रोशर पारा नंबर 6, यानी कि ब्रोशर जो बुलेटिन निकला हुआ है JSSC की तरफ से, वो पारा नंबर 6 में इसका डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम JSSC का जो बुलेटिन है उस पर चलते हैं। बुलेटिन में जैसे ही आएंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो विवरणिका दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, देखिए 1 2 3 4 करते हुए नीचे की ओर आएंगे, तो सबसे थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, ये आपका पारा नंबर 6 है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दो विनियम है अंडर रेगुलेशन 2014, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विनियम 2014 यथा संशोधित 2021, और थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए विनियम लिखा हुआ है 2007, यानी अंडर रेगुलेशन 2007। अब रही बात सबसे पहले हम 2007 की ही बात कर लेते हैं। 2007 तो वो सेलेक्ट करेंगे, वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनियम 2002 यथा तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007, इसी को आपको गौर करना है, विनियम 2007, इसी के बाद आपका नया नियम शुरू हो रहा है, के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्लस टू स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd। अब इसका हम निचोड़ बता रहे हैं आपको, सीधा सीधे इसको समझना है। ये जो अंडर रेगुलेशन 2007 है, विनियम 2007 है, उसके अनुसार जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, जैसे आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स, जिस विषय में आप टीचर बनना चाहते हैं उस विषय के लिए अंडर रेगुलेशन विनियम 2007 के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए तथा एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको शिक्षा में स्नातक या BEd का डिग्री
होना चाहिए, यानी साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसका निचोड़ यही है 2007 के अनुसार। 2007 तक आप किसी भी विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 2007 तक ही पास आउट होना चाहिए किसी भी संस्थान जो NCT से मान्यता प्राप्त है, वहाँ से आपको शिक्षा में स्नातक अर्थात BEd होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यही है कि 5% अंक 2007 से पहले BEd या मास्टर डिग्री करने वालों को यहाँ पर छूट दिया गया है अंडर रेगुलेशन 2007 के अनुसार। इसलिए वैसे कैंडिडेट जिसने BEd और मास्टर डिग्री 2007 तक कर लिया है, तो वैसे लोग 2007 को सिलेक्शन करेंगे। यह है मेरी जानकारी के अनुसार है जो ब्रोशर में साफ साफ कह रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, विनियम अंडर रेगुलेशन 2014 क्या कहता है। 2014 क्या कहता है देखिए, क नंबर में ही लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण, विनियम, यहीं पर गौर कीजिएगा, विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। यानी विनियम 2014 अंडर रेगुलेशन 2014 के अनुसार क्या होगी उसका कंडीशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है अंडर रेगुलेशन 2014 के अनुसार आपको जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप रसायन शास्त्र में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस विषय में मास्टर डिग्री में आपको 50% अंक होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त की जो भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद 50% अंक मास्टर डिग्री में आपका है, स्नातकोत्तर में आपका है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपको शिक्षा में स्नातक या BEd होना अनिवार्य है। यानी ये तो अंडर रेगुलेशन 2014 है। अर्थात कहने का मतलब है 2014 तक जिन्होंने भी मास्टर डिग्री किया है उनको 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री चाहिए, और साथ में 2014 तक ही BEd किया हुआ होना चाहिए, वही व्यक्ति 2014 का सिलेक्शन करेंगे। अब रही बात 2014 के बाद जो BEd किए हैं वो किसको सिलेक्शन करेंगे, 2007 करेंगे कि 2014 करेंगे, उनके लिए साफ साफ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। विनियम 2014 यथा संशोधित 2021, यानी कि साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि जो विनियम जो रेगुलेशन 2014 के लिए अप्लीकेबल है यथा संशोधित 2021 तक, यानी कि 2021 तक जिन्होंने भी मास्टर डिग्री अर्थात जिस विषय के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, जिस विषय के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस विषय में 50% अंकों के साथ BEd होना चाहिए। यानी कि साफ साफ यहाँ पर है जो भी 2014 या 2014 के बाद भी BEd किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं संबंधित विषय में, जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd किए हुए हैं, वह 2014 को सिलेक्शन करेंगे। अब रही बात नौ कौन करेंगे, नौ वैसे कैंडिडेट करेंगे मेरे जानकारी के अनुसार, क्योंकि बुलेटिन में उनके बारे साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार नौ वही लोग करेंगे जो मैंने पहले बता चुका है, अर्थात जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, ना ही वह अभी तक पास आउट हैं 7 के अनुसार ना ही 14 के अनुसार, इसलिए 9 वे सिलेक्शन कर सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार। और आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो आप इसका बुलेटिन को आराम से देखिए, इसका ब्रोशर को संपूर्ण सरसरी निगाहों से पढ़िए, और फाइनली मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ 2007, चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं फॉर्म पे, 2007 यहाँ इसको यस करेंगे, और यहाँ पर 2007 तो वही सिलेक्शन करेंगे जो 2007 तक BEd कर चुके हैं, और साथ ही साथ 45% अंकों के साथ 2007 तक ही मास्टर डिग्री अर्थात जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 45% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ NCT से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपको BEd की डिग्री होना चाहिए। और 2014 सिलेक्शन वही करेंगे जो कैंडिडेट 2014 तक 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
स्नातकोत्तर डिग्री अर्थात मास्टर डिग्री, और साथ ही साथ 2014 तक एनसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपने शिक्षा में स्नातक अर्थात बीएड किए हुए हैं, और साथ ही साथ 2014 के बाद भी जो बीएड या मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री लिए हैं और बीएड की डिग्री एनसीटीए से अप्रूव्ड किया हुआ कॉलेज से आपने बीएड की डिग्री लिया है, तो आप 2014 सिलेक्शन कर सकते हैं, अर्थात 2014 के बाद वाले भी 2014 ही सिलेक्शन करेंगे। यही फाइनली कंक्लूजन है आप लोगों को, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसका जो बुलेटिन है, जेएसएससी का जो बुलेटिन है, उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। इसको भरने से पहले ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा सारा डिटेल, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। सारे डाउट को क्लियर करते ही आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, और अगर मन में कोई कन्फ्यूजन रहेगा इस फॉर्म से रिलेटेड, कहीं पर भी भरने के लिए कोई भी डाउट रहेगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आराम से अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियो बना करके आपको आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का मैं भरसक प्रयास करूँगा।